एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का एक और बयान को लेकर के फिर एक बार सवाल। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं और बलात्कार करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा। सर, कल्याण बनर्जी इससे पहले कुछ ही दिनों पहले उन्होंने जो है राम और सीता को लेकर के बयान दिया था और आप कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाकर बलात्कार करते हैं। देखिए, कल्याण बनर्जी लगता है मानसिक दिवालियापन का परिचय दे रहे हैं। जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह की भाषा का, जिस तरह की शैली का उपयोग कर रहे हैं वह भारतीय राजनीति में अस्वीकार्य है। जनता उसे स्वीकार नहीं करती है। जो लोग जय श्री राम से इतना नफरत करते हैं, जो भगवान राम के मंदिर का जीवन भर विरोध करते रहे, जो जिहादियों की शरण में बैठकर जिहादियों का शासन पश्चिम बंगाल में करते रहे, हिंदुओं के साथ दोहरा व्यवहार करते रहे, जिन लोगों ने हिंदुओं की शोभा यात्रा को, रामनवमी यात्रा को निकलने में आपत्ति व्यक्त की थी, वे लोग भगवान राम का नाम न लें। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अब कल्याण बनर्जी से जय श्री राम के महत्व को समझने की आवश्यकता नहीं है। समाज में नैतिक मापदंडों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। हत्या की राजनीति और वैमनस्य की राजनीति, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति तृणमूल कांग्रेस का मूल चरित्र है। उसी मूल चरित्र पर रहकर आज कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के इशारे पर ऐसी इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है मुसलमानों का तुष्टीकरण करना, चुनाव में ध्रुवीकरण करना। इस ऐसा करने के लिए वे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदू नैरेटिव के प्रतिकूल बातें कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बार बार इस तरीके के बयान जिसका आपने जिक्र किया कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स, क्या ये वाकई में उसी ओर जाता दिख रहा है? देखिए, ममता बनर्जी के पास अंतिम शस्त्र ही है कि मुसलमानों के वोट बैंक को बचा कर रखें। अब मुस्लिम वोट बैंक में जो अनेक प्रकार का विभाजन हो रहा है, इससे वो सहमी हुई, डरी हुई हैं। हिंदुओं का तो विश्वास समाप्त हो ही चुका है। अब मुसलमानों का वोट लेने के लिए वे अपने पार्टी के मुखौटों को सामने रखकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वे हिंदू विरोधी होकर मुस्लिम वोट लेना चाहती है। ये तुष्टीकरण की सबसे घटिया और सबसे घातक राजनीति ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही है। इसकी वजह क्या लग रही है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं इस तरीके के बयान लगातार बढ़ते दिख रहे हैं, इसकी वजह क्या दिख रही है? देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में उत्तेजना, हिंसा पैदा करना चाहती हैं, जिससे आपस में सांप्रदायिक माहौल खराब हो। जितनी सांप्रदायिक माहौल खराब होगा ममता बनर्जी के पक्ष में चुनाव जाएगा, ऐसी वो आशा करती हैं। वास्तव में सांप्रदायिक दंगों के आधार पर, सांप्रदायिक हिंसा के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती हैं, जो अब संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल में की जनता अपने भद्र लोक में वापस जाना चाहती है। सभ्यता, संस्कृति, कला और साहित्य में पश्चिम बंगाल पूरे समाज का नेतृत्व करता रहा है। आज पश्चिम बंगाल उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद का ये कहना है कि जिस तरीके से कल्याण बनर्जी के एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि टीएमसी इस वक्त जो है मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है, तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अब जनता बीजेपी के साथ है, तो वो इस तरीके के बयान देकर के एक वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लग गए हैं। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।